आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, वो भी घर में। सबसे पहले हमने मैदा लिया है 2 कप, और अब हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे वो अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम नमक डाल रहे हैं 1/2 चम्मच। इसके बाद 1 अदद अंडा डालेंगे। एक चम्मच शुगर की डाली है हमने, और घी का पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। ये है घी का पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच खमीर, 2 चम्मच हम दूध भी डालेंगे, और कुकिंग ऑयल 1 चम्मच। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अच्छी तरह सारी चीजों को मिक्स करेंगे। फिर आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के हमने इसको अच्छी तरह गूंदना है। आपने अच्छी तरह आटे को गूंदना है, और हल्का हल्का पानी आपने लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बिल्कुल नरम हाथ से आपने आटा गूंदना है। आपने इसी तरह मसल मसल के आटा गूंदना है, पानी बिल्कुल नहीं आप लगाना। सही अच्छी तरह गूंदना है आटा, ताकि हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह फूले और बने। अब हमारी पिज़्ज़े की डो अच्छी तरह रेडी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाना है, अच्छी तरह चारों तरफ से कुकिंग ऑयल लगाकर फिर हमने इसको शापर में रखना है, ताकि अच्छी तरह फूल जाए। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम शापर में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पिज़्ज़े के लिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं। तकरीबन 2 चम्मच हम दही भी डालेंगे। एक चम्मच चिकन टिक्का मसाला, 1/2 चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, अदरक और लहसुन 1/2 चम्मच। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 1/2 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके फ्रिज में रख रहे हैं। अच्छी तरह सारा मसाला इसमें मिक्स करना है। जब अच्छी मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब 1/2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चिकन को मैरिनेट के लिए 1/2 घंटा रखा था, 1/2 घंटा हमारा हो गया है। अब हम इसको पकाने लगे हैं। चूल्हे को हमने आग लगा ली है। अब हम इसको हल्की आंच पर अच्छी तरह पकाएंगे।
और तकरीबन एक चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। चिकन हमारा रेडी हो गया है, बहुत अच्छी तरह गल गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पिज़्ज़े की डो तैयार हो गई है, अब हम पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं। सबसे पहले हमने पेड़ा कर लेना है एक अच्छी तरह, जिस तरह आप रोटी बनाते हैं इस तरह पेड़ा करके हमने बेलने की मदद से इसको अच्छी तरह फैला लेना है। प्लेट लेनी है आपने पिज़्ज़े की, और इस तरह ब्रश की मदद से इस कुकिंग ऑयल लगा लेना है, अच्छी तरह कुकिंग ऑयल लगाना है। फिर हम इसमें जो रोटी बेली है हम अब इसमें हम रख ले हैं, और हाथों की मदद से अच्छी तरह आपने इसको सेट कर लेना है। कांटे की मदद से आपने इस तरह छोटे छोटे स्लाइस कर देने हैं, अच्छी तरह आपने कांटे लगाना है। और अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस, सबसे पहले वो पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छी तरह आपने पिज़्ज़ा सॉस इस तरह लगा लेनी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर चीज़ डाल रहे हैं, अच्छी तरह आपने चीज़ नीचे डाल लेनी है। इसके बाद अब हम इसमें चिकन रख रहे हैं, इस तरह एक एक करके चिकन आप रख लें। चिकन हमने डाल दिया है, अब हमने प्याज काटी हुई थी, अब हम थोड़ी सी प्याज ऊपर डाल रहे हैं। इसके बाद शिमला मिर्च हमने लंबी लंबी काटी हुई है बारीक, वो डाल रहे हैं। अब हम टमाटर, ये भी हमने लंबे लंबे स्लाइस काटे हुए हैं इस तरह, ये भी एक एक करके हम डाल रहे हैं। अब हम थोड़ी सी चीज़ और ऊपर डाल देंगे, इस तरह हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम कुकिंग रेंज में रखेंगे।
कुकिंग रेंज में हमने पिज्जा रख दिया है, तकरीबन 10 मिनट के बाद हम फिर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। अब हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। अभी हमने छोटे छोटे और दो पिज़्ज़े बनाने हैं। एक और हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसको हम रख रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम आपको डिश आउट करके फिर दिखाएंगे आपको। आपने ज़रूर कमेंट में बताना है कि हमारे पिज़्ज़े आपको कैसे लगे। माशाल्लाह हमारे पिज़्ज़े रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। इंशाल्लाह मेहमान बहुत खुश होंगे, घर वाले भी आपसे बहुत खुश होंगे। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये हमारे पिज़्ज़े कैसे लगे। और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।